केंद्र मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नक्सलियों को लेकर कहा क्या, भेष बदलकर कहां पर मंत्री जी ने छापा मारा और झूठी शान के लिए कहां पर कर दिया गया युवक का कत्ल। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान सामने आया है। कुलस्ते ने कहा है कि जब भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दबाव बढ़ता है तो नक्सली मध्य प्रदेश को सुरक्षित ठिकाना समझते हैं। इसके अलावा कुलस्ते ने कहा कि वो भी इंसान है, उन्हें भी दो वक्त का खाना चाहिए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बार फिर घेराव करने की कोशिश की। किसानों ने चौटाला के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि देश को लुटेरों से बचाने के लिए तीन चीजें जरूरी है, सरहद पर टैंक, खेत में ट्रैक्टर और युवाओं के हाथ में ट्विटर। महाराष्ट्र के गार्डियन मंत्री बच्चू कडू अपनी अनूठी कार्यप्रणाली के लिए मशहूर है। इसी के तहत उन्होंने सोमवार को भेष बदलकर अकोला के कई सरकारी ऑफिसों का दौरा किया और अनाज वितरण में होने वाली कालाबाजारी के बारे में जानकारी ली। हैरानी की बात ये रही कि एक भी कर्मचारी बच्चू कडू को पहचान नहीं पाया और उनके जाने के बाद ऑफिस के लोगों को पता चला कि मंत्री उनके विभाग में आए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में झूठी शान के लिए एक 19 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक को नाबालिग युवती से प्रेम करने की सजा मौत के रूप में मिली। हत्या का आरोप युवती के पिता, भाइयों और दो अन्य युवकों पर लगा है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के अररिया में कामगारों को लेकर दिल्ली आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। अररिया के गोड़ी चौक के पास बस की टक्कर अचानक सामने आए एक ट्रैक्टर से हो गई। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद काफी देर तक नेशनल हाईवे 57 पर जाम लगा रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला की एसएसपी से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति की दूसरी शादी रुकवा दी। महिला की सूचना पर पुलिस की टीम पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां उसका पति गौरव गुप्ता एक दूसरी महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने इस शादी को रुकवा दिया लेकिन मौके से गौरव फरार हो गया। पुलिस उसके दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के छोलापुर गांव में प्राचीन काल के बेशकीमती मिट्टी के घड़े और सिक्के मिले। पुराने मंदिर का रास्ता बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई के दौरान घड़े में मिले 91 सिक्के लेकर जेसीबी चालक समेत 3 मजदूर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर सभी सिक्के बरामद कर लिए। पुलिस ने कई ग्रामीणों के पास से भी बेशकीमती सिक्के बरामद किए हैं। एक घायल कुत्ते की मदद करने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एनजीओ प्यार फाउंडेशन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हवाई यात्रा से यूपी के गोरखपुर पहुंच गए। किसी ने एक कुत्ते को मारने की नीयत से उसके शरीर में तलवार घुसा दी थी। कुत्ते का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के एनजीओ ने गोरखपुर पहुंचकर कुत्ते का इलाज करवाया। इलाज के बाद फिलहाल घायल कुत्ता ठीक है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों का असर इंसान के साथ जानवरों पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र के सांगली के कृष्णा नदी के किनारे मंदिर परिसर में भूख से परेशान एक कुत्ता मंदिर में चढ़ाए गए नारियल को खाने की कोशिश करता दिखा। लॉकडाउन में बेजुबान कुत्ते और आवारा जानवरों को खाने पीने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।